हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एडुकेशन विद टेक्निकल स्किल एडुटेक स्किल। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला एपिसोड में हम लोग जीमेल पार्ट वन में थोड़ा बहुत जीमेल के बारे में जान गए थे और आज हम जानेंगे जीमेल पार्ट टू और इसमें क्या क्या है, जैसे कि आप कैसे मेल कंपोज करेंगे, सिग्नेचर कैसे ऐड करेंगे, लेवल कैसे क्रिएट करेंगे, वैकेशन रिस्पोंडर कैसे ऐड करेंगे, ऐसे बहुत कुछ सेटिंग में क्या क्या है उसका ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जो लोग मेल रेगुलरली करते हैं उनको भी इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंपोज ए मेल। तो कंपोज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या है, अगर आप किसी को मेल डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंपोज में जाना पड़ेगा। देन आप जिसको मेल करना चाहते हैं टू में उनका एड्रेस लिखेंगे, मेल आईडी। देन उसके बाद आपका है सीसी। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी किसको रख सकते हैं, सपोज आप किसी को मेल कर रहे हैं और बाकी दो चार को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इनको आप मेल किए हैं, तो उस जगह पे आप सीसी यूज़ कर सकते हैं। सीसी में उनका मेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको और एक ऑप्शन दिखेगा बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप क्या करेंगे, जिसको मेल कर रहे हैं और जो सीसी में है अगर उनको छोड़ के आप दूसरे किसी को मेल करना चाहते हैं बट आप चाहते हैं कि टू और सीसी में जो है वो नहीं देखेंगे, तो उस जगह पे आप बीसीसी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या करना पड़ता है, आपका मेल का जो समरी है उसको आप सब्जेक्ट में डालेंगे। जैसे कि आप जिसको मेल कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट को पढ़ के मेल में क्या है उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उस टाइप का आप सब्जेक्ट जब लिख रहे हैं उससे पहले थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें। तो आप उसके बाद आप डियर सर, डियर मैम, जो भी सारा फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद एक ग्रीटिंग्स देंगे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी है वो लिखेंगे। फिर आपका जो मेल होगा वो शुरू करेंगे। हमारा मेल जब लिखना हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ है फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर्मेटिंग के लिए जितना सारा ऑप्शन है आपको नीचे दिख रहा है, जैसे कि हमारा वर्ड में होता है उसका थोड़ा बहुत इसमें फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन है। मेल लिख लिए उसके बाद देखिए अनडू रीडू का ऑप्शन है। उसके बाद फॉन्ट क्या होगा वो चूज़ कर सकते हैं। देन फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, स्मॉल, वेरी स्मॉल, ह्यूज। देन फॉन्ट का कलर, अंडरलाइन और आपका इंसर्ट कर सकते हैं उसमें, इंडेंट, पैराग्राफ का अलाइनमेंट और कोटेड मार्क, स्ट्राइक थ्रू, ऐसे करके बहुत कुछ ऑप्शन है फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो आपको जिस टाइप का चाहिए उसका यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। कॉर्नर में जो तीन डॉटेड लाइन है उसमें आप चेक और जो स्मार्ट टूल है ग्रामर का सजेशन के लिए और लेवल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन है, उतना ज़रूरी नहीं है। देन हम चलेंगे उसके नीचे क्या लिखना है। मेल आप लिख लिए उसके बाद एक थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके फिर आप जो भेज रहा है उसका नाम, नंबर और कंपनी का नाम या फिर कुछ लोगों, ऐसे करके आप देखे होंगे आपको मेल आता है तो नीचे रहता है थैंक्स एंड रिगार्ड्स के बाद कुछ लाइन्स होता है, उसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। सिग्नेचर कैसे ऐड करना है ये तो आपको थोड़ा बाद में दिखाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर कैसे क्रिएट करना है। आप मेल लिख लिए उसके बाद सेंड के साइड में एक छोटा सा एरो पॉइंट है, उसमें आप शेड्यूल कर सकते हैं। सपोज आप ये मेल अभी सेंड करना नहीं चाहते, दो तीन घंटा बाद या फिर एक दो दिन बाद सेंड करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर मेल को शेड्यूल कर सकते हैं। और उसके बाद आपका फॉर्मेटिंग के लिए तो ए जितना सारा हम देख लिए, उसके बाद आप अटैच कर सकते हैं आपके सिस्टम में जो फाइल आप यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं उसको आप ओपन करके अटैच कर सकते हैं। देन इंसर्ट लिंक, कोई भी लिंक अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिंक अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इमोजी यूज़ करेंगे या फिर गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में आप कोई डॉक्यूमेंट सपोज किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर गूगल फोटोज़ या गूगल ड्राइव में जो इमेजेस है उसको भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैनेज सिग्नेचर, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी, सेटिंग्स में जाके हम चेक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर कैसे ऐड करना है। और ये नीचे वाला जो इसे है उसको सिग्नेचर बोलते हैं।
आप जब कोई भी मेल सेंड करते हैं तो वो सेंड आइटम में रह जाता है, तो ऐसे करके आप सेंड आइटम में चेक कर सकते हैं आपका मेल सेंड हुआ है कि नहीं। देन हम चलते हैं सेटिंग के, और सेटिंग में क्या होता है हम लोग जनरल सेटिंग में देखेंगे क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। अगर आप कोई दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हैं तो उसमें आप अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और इसमें राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, आपको जिस टाइप का राइटिंग चाहिए जब आप मेल कंपोज करते हैं तो वो राइटअप कैसा रहेगा, राइट से लेफ्ट लिखना चाहते हैं या लेफ्ट से राइट, वो आप चूज़ कर सकते हैं। देन फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में आप इंडिया चूज़ करेंगे जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। उसके बाद इसमें आप आपका जो इनबॉक्स है उसमें आप कितना मेल देखना चाहते हैं, 50, 60 या 100, उसके हिसाब से आप सेट करेंगे। उसके बाद और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप जब मेल सेंड करते हैं सपोज़ कोई गलत मेल लिख लिए तो उसको हम अंडू नहीं कर सकते। बस इस सेटिंग के थ्रू आप कोई भी मेल को 30 सेकेंड के अंदर अंडू कर सकते हैं। आप इसमें टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, 5, 10, 15, 30 ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है, सपोज़ आपको बहुत सारा मेल आया हुआ है, मतलब 5-6 जन को उसी मेल गया है, तो आप जब रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई टू इंडिविजुअल पर्सन आता है या फिर रिप्लाई टू ऑल, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप रिप्लाई टू ऑल भी सेट कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से आप रिप्लाई ही सेट करना ठीक रहेगा। रिप्लाई टू ऑल करने से थोड़ा इशू होता है क्योंकि सबको आंसर करना हर टाइम सही नहीं होता। और उसके बाद हम चलते हैं उसके नीचे जो ऑप्शन है, देन होवर एक्शन। होवर एक्शन में क्या है, ये देखिए जो शॉर्टकट आपको दिख रहा है मेल के ऊपर, उसको सेटिंग करने के लिए वो होवर एक्शन में आप जा सकते हैं। देन आपको आएगा सेंड, जब आप सेंड करते हैं मेल उसमें सेंड और आर्काइव का ऑप्शन रहना चाहिए कि नहीं, उसको आप शो या हाइड कर सकते हैं। देन थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसमें स्पेलिंग, ग्रामर, ऑटो करेक्शन ये सब का ऑप्शन है। जैसे कि उसको अगर ऑन करेंगे तो कोई भी आप गलत स्पेलिंग या फिर ग्रामेटिकली एरर रहता है मेल में तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे रेड वेवी लाइन आ जाता है ताकि आप उसको करेक्ट कर सकें और सही ऑप्शन भी आपको दिखाता है। बाकी उसके नीचे जो सब है जैसे कि एक्सपेरिमेंटल एक्शंस, स्मार्ट कंपोज पर्सनलाइजेशन, स्मार्ट कंपोज कॉन्वर्सेशन व्यू, नजेस, स्मार्ट रिप्लाई, स्मार्ट फीचर एंड पर्सनलाइजेशन, ये सब आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, डेस्कटॉप नोटिफिकेशन को आप ऑन रख सकते हैं ताकि कोई भी न्यू मेल आपसे मिस ना हो। उसके बाद स्टार, स्टार में आप इस ये वाला जो नीचे स्टार्स है उसमें से कौन कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं बस उसी को सिलेक्ट करना है, इसमें और कुछ नहीं है। देन आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल का जो लोग है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके वाला जो ऑप्शन है क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर ऑटो कम्प्लीट, इसमें क्या होता है जब आप कोई भी मेल लिखते हैं किसी को, एक बार जिसका मेल आईडी एंटर कर लिए सेकेंड टाइम उसको मेल करने से उसका सजेशन में आ जाता है ताकि आपको और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट सेक्शन में आ गए, सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे ऐड करना है, आप एक साथ 5-6 सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, जिस टाइम आपको जो वाला ज़रूरत है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिग्नेचर का एक नाम सेट करना होगा। नाम सेट करने के बाद इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जैसे कि फॉर्मेटिंग करने के लिए, कंपोज मेल में जो जो ऑप्शन था इसमें भी वही ऑप्शन है। फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे सिग्नेचर का साइज़ जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और इसमें अगर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं आपके गूगल ड्राइव में जो है वो वाला इमेज भी ऐड कर सकते हैं सिग्नेचर में, सपोज कंपनी का लोगो, बट वो थोड़ा कम केबी का होना चाहिए, तो ज़्यादा केबी का होने से यहाँ पे अप्रूव नहीं होता है जो कि आपके लिए इशू हो सकता है। उसके बाद नीचे आपका सिग्नेचर डिफॉल्ट्स, सिग्नेचर डिफॉल्ट्स में आपको फॉर न्यू ईमेल यूज़, मतलब अगर किसी को कंपोज करें बस उसी को आपका सिग्नेचर दिखना चाहिए, या फिर जिसको रिप्लाई करें या फिर कोई मेल फॉरवर्ड करें, तो हर जगह पे आपको अगर सिग्नेचर चाहिए उसके हिसाब से आप नीचे वाला जो एरो मार्क है उसमें सिग्नेचर का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो है इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर क्वोटेड टेक्स्ट, इसको क्लिक करने से आपका सिग्नेचर के ऊपर एक दो डैश करके आ जाएगा, तो उसके लिए आपको डायलॉग बॉक्स में टिक मार्क लगाना है। उसके बाद हम चलते हैं वैकेशन रिस्पॉन्डर की तरफ क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है।
आज का टॉपिक में सेकेंड जरूरी चीज़, सबसे पहले तो सिग्नेचर जरूरी है। तो वैकेशन रिस्पॉन्डर का काम क्या है? सपोज आप कोई छुट्टी पे गए हैं और 10-15 दिन के लिए आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, उसमें आप एक रिस्पॉन्स के लिए, ऑटो रिस्पॉन्स के लिए एक चूज़ कर लेंगे, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, विल गेट बैक टू यू वेरी सुन, मतलब। या फिर आप कोई छुट्टी पे है करके आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो आपको मेल किए होंगे, आने के बाद आप उनको रिप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे एक ऑटो रिस्पॉन्स मेल आप सेट कर सकते हैं, ताकि जो उसी बीच आपको मेल किए होंगे उनको डायरेक्टली ऑटो रिस्पॉन्स चला जाएगा। उसमें एक डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इतने से इतने तारीख के अंदर ये आपका ऑन रहेगा, देन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो यहाँ पे आप जो भी चेंजेस किए उसको चेंज करके सेव करने के लिए बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सेव नहीं किए दोबारा से आपको फिर सेट करना पड़ेगा, और जो भी चेंजेस करना पड़ेगा फिर आपको डबल मेहनत लग जाएगा। तो सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटो रिस्पॉन्स हो गया, तो मेरा स्क्रीन में भी ऊपर आ रहा है कि ऑटो रिस्पॉन्स ऑन है, क्योंकि मुझे अभी वैकेशन में नहीं जाना है, इसके लिए मैं इसको ऑफ कर दी। हमने जो सिग्नेचर ऐड किए थे उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, कंपोज करने से वो सिग्नेचर आता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैं एक मेल कंपोज कर रही हूँ, तो उसके नीचे देखिए सिग्नेचर आपको दिखेगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली सिग्नेचर आ गया है जो मैं सेट की थी, ऐसे ही आप जो सेट किए होंगे वो आपको सिग्नेचर आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, रिप्लाई कंपोज और फॉरवर्ड करने से भी आपका ऑटोमेटिक जो सिग्नेचर क्रिएट किए थे वो हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में जितना सारा था वो तो बता दी, देन लेवल में आप कौन सा लेवल ऑन करना चाहते हैं, कौन सा ऑफ करना चाहते हैं, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनबॉक्स में आप टॉप मोस्ट में कौन कौन सा कैटेगरी देखना चाहते हैं, सोशल प्रमोशन अपडेट इम्पोर्टेंट, जो कि पहले हमारा होम पेज में भी अवेलेबल है, उसमें भी आप वहाँ चेंज कर सकते हैं, या फिर आप सेटिंग में जाके भी परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट में, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और रिकवरी के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी आप रख सकते हैं, और कुछ गूगल अकाउंट का दूसरा कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। यूजिंग जीमेल फॉर वर्क, मतलब आप अगर कस्टमाइज जीमेल आईडी चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लर्न मोर में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और इंपोर्ट मेल एंड कॉन्टैक्ट में क्या होता है, आप अगर दूसरा मेल का डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो मेल एंड कॉन्टैक्ट का डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और सेंड मेल आज, मतलब आप अपना मेल आईडी को छोड़ के अगर किसी दूसरा मेल आईडी का नाम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे अनदर ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं। चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स करके आप यहाँ पे भी एक दूसरा मेल आईडी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आपको जो चैट एंड मीट का ऑप्शन दिख रहा है उसको होम पेज में आपको हैंगआउट चैट करने के लिए और गूगल मीट का जो ऑप्शन है उसको एनाबल या डिजेबल करने के लिए यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं उसको होम पेज में तो उसको आप ऑफ या ऑन रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लगभग आज का सारा टॉपिक का आपको जीमेल के बारे में बता चुकी हूँ, और इससे पहले वाला वीडियो में थोड़ा बहुत था और इसमें भी क्लियर हो चुका है। आज का वीडियो इतना ही, और आगे से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी यहाँ पर डाल दें। अगर आप कोई दूसरा टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं वीडियो, तो कॉमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और मेरे वीडियोज़ मिस ना होने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें।